आप मेरी प्रार्थनाओं में हो रोज, और परमेश्वर आपको छोड़ेगा नहीं जब तक वो आपको जयवंत नहीं करेगा, आपको ब्लेस नहीं करेगा। आप मेरी प्रेयर्स में हो रोज, एवरी डे मैं आपके लिए रोज बोता हूं और रोज प्रेयर करता हूं, और आप मेरे प्रेयर पॉइंट्स में, मेरी पर्सनल आप प्रेयर पॉइंट्स में हो। और आने वाले दिनों में आपको नजर आएगा कि कैसे परमेश्वर आपको छू रहा और कैसे आपकी लाइफ में काम कर रहे हैं। हालेलुया। आप तैयार हो वर्ड्स के लिए? और आज सिंपल वचन नहीं, मैं आपके पास नहीं आने वाला हूं, आज मैं यहां रहने वाला हूं, क्योंकि आज आप कम से कम 50 बाइबल के वर्सेस खोलने वाले हैं। तो अपनी कॉपी, अपना पेन रेडी रखो, अपनी बाइबल खोल के रखो, क्योंकि अगर आज का वर्ड आपने फॉलो किया तो आप सेम वापस नहीं जा रहे हो। अगर आज आपने टेस्टिमनी सुनी होगी, और पिछले कुछ हफ्तों से जो आप गवाहियां सुन रहे हो, अगर आपने सुनी होगी, तो आपने एक चीज को रियलाइज किया होगा कि 90% टेस्टिमनीज, 90% गवाहियां जो आप इस पे सुन रहे हो, एलईडी पे सुन रहे हो, जो वीडियो टेस्टिमनीज है, 90% टेस्टिमनीज में आप ये बात को शायद आपने नोट किया या नहीं किया। हमने किया कि उन्होंने कहा कि वचन सुनते हमने वचनों को सुनना शुरू किया और परमेश्वर ने हमें हील किया। हम जब आए और हमने वचनों को सुनना शुरू किया और परमेश्वर ने हमें चंगा किया, और आज हम इसीलिए अपनी टेस्टिमनी के साथ। हालेलुया। और अगर आपने टेस्टिमनी सुनी होगी आज एलईडी पे, या जो भी आपने वीडियो टेस्टिमनी या दूसरी टेस्टिमनी सुनी, आपने एक वचन उसमें नोट किया होगा कि जैसे ही हम चर्च में आए हमने वचनों को सुनना शुरू किया। क्योंकि जितनी गवाहियां आपने सुनी वो एकदम से आके कोई लोग चंगे नहीं हुए, सभी उन्होंने कहा हम चर्च में आए लेकिन हमारी प्रॉब्लम वहीं की वहीं थी, लेकिन हमने वर्ड सुनने शुरू किए और एक दिन आया जब परमेश्वर ने हमें छुआ और हमें आजाद किया। आप जानते हैं लोग कंप्लेंट करते हैं कि हमारी चर्च में लोग आते हैं पर टिकते नहीं। टिकते इसलिए नहीं क्योंकि आप अपनी चर्च को हीलिंग के ऊपर और प्रोफेसी के ऊपर नहीं बना सकते। वो लोग अगर हीलिंग और प्रोफेसी के ऊपर आपकी चर्च है तो वो हीलिंग आके लेंगे, प्रोफेसी लेंगे और उसके बाद चले जाएंगे कहीं और। पर अगर आपकी चर्च में वचन की नॉलेज है और आपकी चर्च को प्रैक्टिकल वचन की नॉलेज है कि आपकी चर्च सिर्फ वचन ही नहीं सुन रही, वो हीलिंग्स भी देख रही है, आप वो प्रोफेटिक भी देख रही है, वो परमेश्वर के कामों को डेमोन्स्ट्रेट होता हुआ, मैनिफेस्ट होता हुआ देख रही है, तो वो चर्च हमेशा ज्यादा बढ़ती, ग्रो होती और उसके लोग ज्यादा स्ट्रांग होते हैं दूसरे लोगों के मुकाबले। हालेलुया। आप तैयार है उन वचनों को सुनने के लिए? आप टेस्टिमनी ध्यान से सुनना कि हमने वचनों को सुनना शुरू किया और 6 महीने बाद हमें पता चला, अच्छा आज व्हाइट कार्ड खुल गया है, हमने व्हाइट कार्ड से प्रेयर कराई और हम हील हो गए। क्यों? क्योंकि बेस बन चुका था उनका, वचन सुन सुन के बेस बन चुका है, एक विश्वास बन चुका है और एक दृढ़ता बन चुकी है कि प्रभु यीशु मसीह तो चंगा कर ना कर, तू हमारा परमेश्वर है, हमने ग्रहण कर लिया तेरे को, सब कुछ बन चुका है, अब सिर्फ एक ले हैंड बाकी है, या डिक्लेरेशन बाकी है, या प्रेयर बाकी है, या रुमाल से हाथ रखना बाकी है, वो लास्ट पॉइंट है जो आप ले रहे हो अभी। आमीन। और कई ऐसे भी होते हैं जो पहले संडे हीलिंग लेके आपको नहीं मिलेंगे संडे, दूसरे संडे कहां, क्योंकि हीलिंग हो गई खत्म। और जब वचन आपकी लाइफ में घर करता है तो वचन आपकी हीलिंग को सिर्फ बना के ही नहीं रखता, आपको भी उद्धार में बना के रखता है, आपकी हीलिंग को भी मेंटेन करता है, आपकी ब्लेसिंग को भी मेंटेन करता है। वचन की नॉलेज के बिना जो ब्लेसिंग आती है उसके चले जाने का खतरा है वापिस, उस हीलिंग के, उस ब्लेसिंग के। क्यों? क्योंकि जिस चीज को आपने प्रेयर से और परमेश्वर से लिया उसी चीज से आप उसे मेंटेन कर सकते हो। अगर पैसे से आप मर्सिडीज खरीद सकते हो तो उसी पैसे से ही आपको उसको मेंटेन करना पड़ेगा, हर महीने उसकी सर्विस करवानी पड़ेगी, हर 6 महीने उसका टायर बदलना पड़ेगा, उसको ड्राइवर का खर्चा देना पड़ेगा, तेल डलवाना पड़ेगा, उसकी सर्विस करनी पड़ेगी, उसी पैसे से वो सर्विस होगी जिस पैसे से वो खरीदी गई। अगर आपको पहले संडे हीलिंग मिल जाए, दूसरे संडे मिल जाए, तो उसके बाद आपको वर्ड चाहिए उस हीलिंग को मेंटेन करने के लिए। आमीन। क्या आप उस वर्ड को सुनने के लिए तैयार हैं? आपकी स्पिरिट्स ओपन हो जाए और हर अंधकार की शक्ति आपको छोड़ के जाती रहे, और हर शैतान कर्ज़ से श्रापित हो, हर सिचुएशन खत्म हो जाए जो वचन के खिलाफ खड़ी है।
आमीन अगर ऊंचा है तो ये ब्लेसिंग आपके हृदयों में है। हालेलुया। अपनी बाइबल को खोलेंगे सब जन, आप एक कॉपी एक पेन अपने साथ रखेंगे और उस वचन की हेडिंग लिखेंगे, इनडिस्ट्रक्टेबल क्रिश्चियन। मतलब नाश ना होने वाला मसीही। मैं आपको वचन बताता जाऊंगा, आपने उसे लिखते जाना ताकि जब मैं नीचे आऊं आपने वो सब कुछ लिखा हो। इनडिस्ट्रक्टेबल क्रिश्चियन यानी नाश ना होने वाला मसीही, उसकी हैबिट्स क्या होती। याद रखो, आपकी कुछ आदतें होती हैं जो परमेश्वर चाहता है आपके अंदर हो, और कुछ ऐसी होती हैं जो परमेश्वर नहीं चाहता आपके अंदर हो। वो आदतें शैतान की ओर से नहीं होती, वो आदतें आपकी अपनी होती। बाइबल कहती है यहूदा इस्करियोती के अंदर एक आदत थी चोरी करने की, और वो चोरी करता था। और एक दिन ऐसा आया कि बिना शैतान के वो चोरी करता था, शैतान उसके अंदर नहीं था तभी भी वो चोरी करता था। बाइबल बताती है शैतान तब उसके अंदर गया जब यीशु मसीह ने रोटी का टुकड़ा डुबो के उसे दिया। हां के ना? तो एक गंदी आदत ने उसके अंदर शैतान को एंटर करने की जगह दी, वो आदत थी यहूदा की चोरी करना। आमीन। आपके अंदर आज मैं आपको ऐसे पॉइंट्स दूंगा, अगर आपके अंदर वो नहीं है तो आप नाश होने वाले क्रिश्चियन नहीं होंगे, आप सफल क्रिश्चियन होंगे। और आमीन ऊंचा तो आशीष आज आपकी है। पहला पत्रस एक उसकी 23 आयत, जो पहली क्वालिटी आपके अंदर होनी चाहिए अगर आप नाश नहीं होना चाहते हो, या गुमना नहीं चाहते हो, या मसीह में आके गायब नहीं होना चाहते हो। जो पहली आदत आपके अंदर एक क्रिश्चियन व्यक्ति के अंदर होनी चाहिए वो पहला पत्रस उसकी पहली पत्री उसकी एक की 23 आयत को मैं पढ़ूंगा। उसमें लिखा, क्योंकि तुमने नाशवान नहीं अविनाशी बीज से परमेश्वर के जीवते और सदा ठहरने वाले वचन के द्वारा नया जन्म पाया है। पहला जो क्वालिटी आपके अंदर होनी चाहिए वो ये होनी चाहिए, इसमें लिखा तुमने अब नाशवान नहीं परंतु अविनाशी बीज से। नाशवान बीज वो होता है जिसके द्वारा आप अपने माता के गर्भ में गए, आपके पिता का सीड, आपके पिता का स्पर्म जो आपकी माता के गर्भ में गया और आप जन्मे, वो नाशवान स्पर्म है, वो नाशवान बीज है। वो नाशवान बीज ऐसा है आप जिएंगे और मरेंगे, पर बाइबल कहती अविनाशी बीज से तुम्हारा जन्म हुआ, सदा ठहरने वाले वचन के द्वारा तुमने नवा जन्म पाया। जब आपका जन्म वचन के द्वारा होगा आप अविनाशी होंगे, आप नाश नहीं होंगे और सदा ठहरे रहेंगे, क्योंकि बाइबल कहती है कि वचन सदा ठहरने वाला वचन है। ध्यान से सुनना, आपके बाप ने आपको पैदा किया, एक दिन आप मरेंगे, हां या ना? क्योंकि आप नाशवान बीज से पैदा हुए हो। पर बाइबल कहती है अगर तुम अविनाशी बीज से यानी सदा ठहरने वाले वचन के द्वारा पैदा हुए हो तो तुम नाश नहीं होंगे। ना तो इस पृथ्वी पर तुम नाश होंगे, ना तुम दुखों में जाओगे, ना झमेलों में पड़ोगे। नाश होने का मतलब होता है एक बंदे का बिजनेस है अच्छा चल रहा है, एक दिन कोई घटना हुई, दुर्घटना हुई, सब कुछ खत्म हो गया, उसके बाद बंदा मर गया, उसकी वाइफ मर गई, बच्चे मर गए, सब कुछ खत्म हो गया, एक एक्सीडेंट हुआ, पूरा परिवार खत्म हो गया। परमेश्वर कहता है ऐसा नाश तुम्हारी जिंदगी में कभी नहीं होगा, और धरती पर ही केला नाश नहीं, मैं तुम्हें आकाश पर भी स्वर्ग पर भी नाश नहीं होने दूंगा, मैं तुम्हें यहां भी जीवन दूंगा और ऊपर भी जीवन दूंगा। परमेश्वर ने कहा अगर तुम्हारा जीवन, अगर तुम्हारा जन्म मेरे वचन के द्वारा हुआ है, तो अगर तुमने बपतिस्मा ले लिया है, तो अगर तुमने नया जन्म पा लिया है, तो अगर तुमने तौबा कर ली है, अगर तुमने यीशु मसीह को अपना जीवन दे के पापों से तौबा कर ली है, अगर परमेश्वर को अपनी लाइफ दे दी है, तो परमेश्वर ने कहा तुम अविनाशी बीज से पैदा हुए हो। आमीन। अपने पड़ोसी को बोलो नया जन्म ले, फिर से बोलो ऊंची आवाज में। पहला पॉइंट आपका यह होगा कि आपका नया जन्म होना जरूरी है, आपका पानी वाला बपतिस्मा जरूरी है, आपका राइट डॉक्ट्रिन लेना, परमेश्वर के वचन को सही रीति के साथ लेना ये जरूरी है। आपका ध्यान अकेला हीलिंग्स और चमत्कारों के ऊपर नहीं, आपका ध्यान वचन के ऊपर भी होना चाहिए,
वचन पे पहला स्थान देना चाहिए और दूसरा स्थान आपका हीलिंग और मिरेकल और सब सब चीजों की तरफ होना चाहिए, क्योंकि बाइबल कहती है उसके धर्म और राज्य की खोज करेगा तो सब वस्तुएं तुझे पीछे पड़ के मिलेंगी। आमीन। ऊंचा आशीष ऊंची। वचन पे ध्यान क्यों होना चाहिए? आपका जन्म वचन के द्वारा क्यों होना चाहिए? संडे मैं अपने घर में जाता हूं और रात के 10 बजे 11 बजे के करीब मैं टीवी लगाता हूं और टीवी पे मैं यूसुफ की पिक्चर देख रहा था, याकूब की पिक्चर देख रहा था। बाइबल एक बात बताती है कि जो याकूब था वो अपने सभी बेटों से ज्यादा यूसुफ से प्यार करता था, हाँ या ना? मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, स्पिरिचुअल लोग कभी भी पक्षपात करने वाले नहीं होते। ऐसा क्या कर दिया बाकी बच्चों ने जो याकूब बाकी बच्चों से कम प्यार करता था और यूसुफ से ज्यादा प्यार करता था? ऐसा क्या कर दिया यूसुफ ने या बाकियों ने, ऐसा क्या नहीं किया? वो पक्षपात नहीं था, वो एक रिजल्ट था। किस चीज का? मैं आपको बताता हूं। याकूब जो था वो भेड़ों को पालने वाला चरवाहा था, हाँ या ना? वो जब उन्हें मामा के घर में था, लाबान के घर में था, तो उसने भेड़ों को कैसे बढ़ाया जाता है, कैसे मेहनत की जाती है उसको मालूम था। और एक दिन जब लाबान ने उसके साथ झगड़ा किया तो उसने लाबान से कहा, मैं जब अपने काम में था ना तो मैं सोया ना मैंने झपकी ली, मैं पाले में भी रहा हूं, मैं बारिश में भी रहा हूं, लेकिन तेरी भेड़ को मैंने मरने नहीं दिया, और जब जब तूने अपनी भेड़ों को मुझे दिया है तेरी भेड़ें बड़ी हैं, कम नहीं हुई। याकूब एक बात जानता था कि भेड़ों को कैसे बढ़ाया जाता है, और भेड़ों को बढ़ाने में मेहनत लगती है, भेड़ों को बढ़ाने में पसीना लगता है, रात को जागना पड़ता है, रात को ओस में जागना पड़ता है, बारिश में रहना पड़ता है, बुखार में रहना पड़ता है। उसको मालूम था भेड़ों को बढ़ाना आसान नहीं है। पॉसिबल है कि भेड़े बढ़े लेकिन आसान नहीं है, आपको पूरा तन मन धन उस पर लगाना पड़ता है। जो याकूब के 11 बच्चे 10 बच्चे थे वो भेड़ों को बढ़ाते नहीं थे जितना भेड़ों को यूसुफ बढ़ाता था। यूसुफ जब भी भेड़े लेके जाता था, अगर यूसुफ को 100 भेड़े मिली हैं, बाकी भाइयों को 100-100 मिली हैं, जब 6 महीने बाद वो वापस चरा के आते थे तो यूसुफ की भेड़े 125 होती थी और बाकियों की 105, किसी की 110 होती थी, किसी की 103 होती थी। और पिता उनसे पूछता था कि अगर यूसुफ की भेड़े बढ़ सकती हैं ज्यादा, तुम्हारी क्यों नहीं बढ़ती? और उनके पास बहाने होते थे, नहीं बाहर तो ये है जी, बड़ी प्रॉब्लम आ रही है जी, बाहर तो ये मुश्किल है जी, आज मौसम खराब हो गया था जी। लेकिन कारण ये था कि वो सब निठल्ले थे, आलसी थे, मेहनती नहीं थे, उनका ध्यान पाप की तरफ था, उनका ध्यान अपने बाप की दी गई ड्यूटी की तरफ नहीं था। और बाइबल एक बात बताती है कि जब भी आपको धरती पे परमेश्वर का दास या आपके माता पिता कुछ भी असाइनमेंट या काम दें, वो असाइनमेंट आपकी असली जो आपकी प्लेस होती है, आपकी जगह होती है, आपकी डेस्टिनी होती है, आपकी मंजिल होती है, वहां तक आपको लेके जाती है। इसीलिए यूसुफ उन लोगों में से चुना गया जिसे परमेश्वर के दर्शन आए, जबकि चुना जाना सबसे बड़े ने था पर वो चुना नहीं गया, यूसुफ चुना गया क्योंकि उसकी भेड़े हमेशा ज्यादा बढ़ती थी। सक्सेसफुल लोग, स्पिरिचुअल लोग वही स्पिरिचुअल हैं असली के, जिनकी लाइफ में ग्रोथ है, जिनकी लाइफ में रिजल्ट है। वो चर्च में हो, अगर उनको एक काम दिया जाए, असाइनमेंट दिया जाए, अगर वो फेल हैं तो वो स्पिरिचुअल नहीं है, मैं आपको लिख के दे सकता हूं। स्पिरिचुअल लोग फ्रूटफुल लोग होंगे, आप उन्हें जहां भी भेजेंगे, जिस डिपार्टमेंट में जहां भी, वहां वो फल लेके आएंगे। अगर वो स्पिरिचुअल नहीं है, दिखते स्पिरिचुअल है पर है नहीं, वो कभी भी आपको फल नहीं देंगे, आपको टेंशन देंगे। इसीलिए बाइबल कहती याकूब जो था वो यूसुफ से ज्यादा प्यार करता था। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? क्यों? याकूब का ध्यान वचन की ओर था, यूसुफ का ध्यान अपने बाप की गवाही और अपने स्वर्गीय पिता प्रभु यहोवा की गवाही और उसके वचन के ऊपर था, और वो फल लेके आया। कितनों को समझ आ रही मेरी बातें? इसलिए मैंने कहा आपका वचन के साथ जीना जरूरी है। अविनाशी बीज जो नाश नहीं होता, सदा ठहरने वाला वचन जो कभी नाश नहीं होता, वो वैसा ही आपको बना देता है जैसा वो खुद है। आप अपने बाप से पैदा होते हो, आपका बाप मर जाता है, दादा मर जाता है, आप भी मर जाते हो क्योंकि वो नाश होने वाले बीज से पैदा हुए हो। पर जब आप वचन से पैदा होते हो, आप नाश नहीं होते हो क्योंकि वचन भी कभी नाश नहीं होता। आपके बाप की तरह आप लगते हो, जब वचन से पैदा होंगे आप वचन की तरह लगेंगे, आप जीवित वचन बनेंगे
खुदा का जीवित वचन आप होंगे। मैंने कहा आज ध्यान से सुनने वाला वचन है। तो पहली आदत जो आपके अंदर होनी चाहिए, पहला काम जो करना है, आदत नहीं काम क्या है, कि वचन के द्वारा आपका नया जन्म हुआ होना चाहिए। अगर वचन के द्वारा आपने जन्म पा लिया, आप नशा करने वाले नहीं होंगे। संडे कोई भी काम हो, आप प्रभु की हजूरी में होंगे। अगर आपने वचन से जन्म पा लिया, आप अपने क्रिश्चियन जिम्मेवारियों के प्रति, चर्च की जिम्मेवारियों के प्रति आप वफादार होंगे। अगर आपने नया जन्म पा चुके हैं आप, तो आप परमेश्वर के साथ वफादार होंगे। आमीन। और उसके बाद अगर आपने नया जन्म पा लिया, वचन के द्वारा आप चल रहे हो, आप फेथफुल भी नहीं, अकेले नहीं होंगे, आप फ्रूटफुल भी होंगे, आप फल लाने वाले भी होंगे। और आपका बाप आपसे ज्यादा प्यार करेगा, आपको ज्यादा हर्ष के तेल से अभिषिक्त करेगा, बाइबल कहती है। कितने मेरी बातों को समझ रहे हैं? उसके बाद हम पढ़ेंगे भजन संहिता 65 उसकी 5 आयत। ये एक ऐसी आदत है जो एक क्रिश्चियन व्यक्ति के अंदर होनी चाहिए। और ऐसा क्रिश्चियन व्यक्ति जो अपनी लाइफ में परमेश्वर के बड़े बड़े कामों को देखना चाहते हैं। आज मेरे पास दो बाइबल्स हैं, मैं साथ साथ खोलूंगा। पहला भजन संहिता 65 उसकी 5 आयत, दूसरा भजन संहिता 67 उसकी 2 आयत। 67 की 1 और 2 पढ़ूंगा मैं, 65 की 5 पढ़ूंगा। उसमें लिखा, हे हमारे उद्धारकर्ता परमेश्वर, हे पृथ्वी के सब दूर दूर देश के और दूर के समुद्र पर के रहने वाले के आधार, तू धर्म से किए हुए भयानक कामों के द्वारा हमें मुंह मांगा वर देगा। बहुत सारे क्रिश्चियन नाश हो जाते हैं, आपको दिखने में अच्छे लगते हैं पर वो अंदर से नाश हो जाते हैं। बहुत सारी सेवकाइयां जो सेवकाइयां कर रही हैं, अंदर से मरी हुई हैं। वो पास्टर्स भी जानते हैं मैं अंदर से मरा हुआ हूं, सिर्फ मैं खाना पूर्ति करने के लिए चर्च में आता हूं। क्यों? क्योंकि एक टाइम ऐसा था जब उन्हें मुंह मांगा वर चाहिए था और उन्हें मिला नहीं। आपकी लाइफ की सबसे बड़ी प्रेयर रिक्वेस्ट जिस पे आपकी जिंदगी टिकी हुई है, वो कोई भी हो सकती है। एक बीमार के लिए चंगाई हो सकती है, एक गरीब के लिए फाइनेंशियल ब्लेसिंग हो सकती है, एक अकेले व्यक्ति के लिए डाइवोर्स कैंसिल होना या शादी होना हो सकती, कुछ भी हो सकती। जब मुंह मांगा वर नहीं मिलता तो इंसान पीछे को जाता है परमेश्वर से, और उसे यह नहीं पता कि परमेश्वर से मुंह मांगा वर मुझे कैसे मिलेगा। अगर आप इनडिस्ट्रक्टेबल यानी अविनाशी क्रिश्चियन बनना चाहते हो, तो एक टाइम आपकी लाइफ में जरूरी है कि आपका मुंह मांगा वर परमेश्वर आपको जरूर दे, पर वो आसान नहीं, वो आसान नहीं। इसमें लिखा, तू धर्म से किए हुए भयानक कामों के द्वारा हमें मुंह मांगा वर देगा। बाइबल कहती, जब आप भयानक काम करते हैं परमेश्वर के लिए, आपको मुंह मांगा वरदान देता है परमेश्वर। वो भयानक काम क्या है जो एक क्रिश्चियन व्यक्ति परमेश्वर के लिए कर सकते हैं? वो भयानक काम ये है कि आप रूहों को बचा सकते हो जहां विरोध होते हैं। जो लोग परमेश्वर के विरोधी हैं, उन तक वचन पहुंचाना भयानक काम है। आमीन। एक दिन मैं अपने वाइफ के साथ बैठा हूं और हमारे पास एक बैग था जिसमें पेमेंट पड़ी थी, और वो हमने बैंक भेजना था, और एक परमेश्वर का दास था, और परमेश्वर ने कहा कि ये पूरा बैग तूने बोना है। और वो पूरा बैग मैंने पकड़ा और उसके पास भेज दिया। मैंने कहा, परमेश्वर ने मुझसे कहा कि जो कुछ मेरे पास है, वो थोड़ी अमाउंट नहीं थी। और उस भयानक काम के बाद इस चर्च में ओवरफ्लो सेक्शंस शुरू हो गए थे। जो मेरा विजन था, जो मेरा दर्शन था, कि मेरे अंदर वाला जो चर्च का हॉल है वो टाइम से पहले भरना चाहिए। आज अगर आप चर्च में बाहर घूमेंगे तो आज तक का सबसे बड़ा नॉर्मल संडे है। आज की बात कर रहा हूं, सबसे बड़ा संडे है आज तक की मिनिस्ट्री हमारी मिनिस्ट्री का। परमेश्वर कहता है, मैं धर्म से किए हुए भयानक कामों के द्वारा तुझे मुंह मांगा वरदान दूंगा। आमीन। सेवा में जाना एक भयानक काम है, यानी परमेश्वर के लिए एक भयानक काम को करना। और परमेश्वर कहता है, जब तू ऐसे काम करेगा, मैं तुझे मुंह मांगा वरदान दूंगा। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? अपने पड़ोसी को बोलो, भयानक काम कर। ऊंची आवाज में बोलो, को धर्म से किए हुए भयानक काम तुझे तेरा मुंह मांगा वरदान देंगे। फिर से बोलो। आमीन। कितने समझ रहे हैं? परमेश्वर ने कहा, गिदोन, मैं तुझे तेरे द्वारा ये काम करूंगा, तेरे द्वारा बड़े लोगों को छुड़ाऊंगा,
तो बाइबल कहती गिदोन एक दिन सुबह उठा और एक मूर्ति जो उसके पास लगी थी उस मूर्ति को तोड़ दिया उसने। और ये डेंजरस काम था, उस मूर्ति को तोड़ना डेंजरस था, क्योंकि सब लोग उसके पीछे पड़ गए और उसके बाप ने कहा उसको बचाने के लिए कि अगर इस मूर्ति के परमेश्वर में ताकत है तो वो गिदोन से अपने आप बदला ले लेगी, तो तुम इसको छोड़ दो। एक भयानक काम किया गिदोन ने और बाइबल कहती है उसके बाद उसे मुंह मांगा वरदान मिला और वो अपने दुश्मनों से छुटकारा ले पाया, उन पर जयवंत हो पाया और आजाद हो पाया। ये एक भयानक काम था कि अपनी लाइफ के ऊपर रिस्क लेना। जब मैं मिनिस्ट्री में आया तो मैं सक्सेसफुल बिजनेसमैन था और जो शाम का टाइम बचता था अपने पैसों से और अपने गिफ्ट से मैं लोगों की सेवा करता था। लोग बढ़ते गए बढ़ते गए बढ़ते गए और मुझे सब कुछ छोड़ के परमेश्वर में आना पड़ा। मेरे घर वाले इस चीज के खिलाफ थे कि मैं सब कुछ ना छोड़ूं, इतना अच्छा जो बिजनेस प्रभु ने दिया उसको कर और पैसे से तो प्रभु की सेवा कर ही रहे तो करता रहे कोई प्रॉब्लम नहीं। पर ये मेरे लिए भयानक काम था कि सब कुछ छोड़ के और सेवकाई से बिना सपोर्ट के, आज तक सेवकाई मुझे तनख्वाह नहीं देती, मुझे सपोर्ट नहीं करती। परमेश्वर कहता है जब तू भयानक काम मेरे लिए करेगा मैं तेरा मुंह मांगा वरदान तुझे दूंगा। और आप जानते हैं जब मुंह मांगे वरदान मिलते हैं आपको, आपकी लाइफ सदा के लिए सेटल होती है। मैं कह रहा हूं सदा के लिए आपकी लाइफ सेटल होती, वो एक ऐसी नींव की तरह होती है जिसपे जितना मर्जी लंबा और चौड़ा और बड़ा मकान आप बना सकते हैं, पर जब तक एक क्रिश्चियन व्यक्ति ने भयानक काम करने नहीं सीखे उसका मुंह मांगा वरदान उसे नहीं मिलता। जब आप भयानक काम करते हैं आपका मुंह मांगा वरदान परमेश्वर आपको देता है। हालेलुया। आप सेवा में आते हैं, आप ऐसा बीज बोते जो आपके लिए पहुंच से बाहर हो, आप ऐसा काम करते हैं जो भयानक काम हो, आप ऐसी रूहों को बचाते हैं, कुछ ऐसा करते हैं जो भयानक हो परमेश्वर की दृष्टि में। किसी के लिए प्रेयर करना हीलिंग की, ये भयानक काम है। जो शिकंजे से चल रहा हो 6 महीने से, प्रार्थना करके उसे हील करना ये भयानक काम है। किया परमेश्वर के ही नाम से, किया उसी की ताकत से, और उसका मुंह मांगा वरदान आपके परिवार में और आपकी लाइफ में परमेश्वर आपको देता है। उसने कहा जो मेरे पिता की सेवा, जो मेरी सेवा करेगा, यीशु मसीह ने कहा मेरा पिता उसका आदर करेगा। अगर तुम मेरी सेवा करेगा वो व्यर्थ नहीं जाएगी, अगर तुम मेहनत करेगा वो व्यर्थ नहीं जाएगी, अगर तुम मेरी सेवा करेगा मेरा पिता तेरा आदर करेगा। जोर से बोलो हालेलुया, जोर से जोर से जोर से हालेलुया। अपने पड़ोसी को बोलो भयानक काम कर और फ्रूटफुल बन, क्योंकि आत्मिक लोग फ्रूटफुल हैं, जो आत्मिक नहीं वो फलदार नहीं। आमीन। 67 भजन संहिता 2 को हम बाद में पढ़ेंगे साथ साथ, और उससे पहले अब मैं पढ़ूंगा उत्पत्ति की पुस्तक उसकी 34 बाप उसकी 1 आयत को। अपने पड़ोसी को बोलो बोलो पहला काम जो करेगा तू, तो भयानक काम करेगा, बड़े काम करेगा, बिना डर के करेगा, तो सबको परमेश्वर के बारे में बताएगा, किसी काम में पीछे नहीं हटेगा, सब काम में परमेश्वर के तू आगे रहेगा, तो परमेश्वर तेरा मुंह मांगा वरदान तुझे देगा। आमीन। एक टाइम था जब चर्च को अकाउंटेंट्स की जरूरत थी और हम अनाउंसमेंट करते थे कि अकाउंटेंट अगर चर्च में है तो हमसे मिले। और एक दिन हमें पता चलता है कि एक सीए एक चार्टर्ड अकाउंटेंट चर्च में 7 साल से आ रहा है लेकिन कभी आगे मदद के लिए नहीं आया। चर्च का तो काम हो गया, चर्च के पास तो आज सबसे बहुत बढ़िया टीम है और टीम बढ़ती जा रही। पिछले कुछ दिनों के अंदर अंदर 100 लोगों ने टीम में सेवा के लिए प्रवेश किया और 100 लोग और कर रहे हैं, मतलब 2 महीने के अंदर 200 लोगों ने अपना जीवन मिनिस्ट्री में दिया सिर्फ 1 महीने में। और इसका असर यह भी है कि जो फालतू के टेंशन वाले लोग थे वो खत्म हो रहे हैं और जो फ्रूटफुल लोग हैं वो आ रहे हैं मिनिस्ट्री में। और ये कैसे पॉसिबल है कि आपके लाइफ में आपको मुंह मांगा वरदान परमेश्वर दे, कि आपको मालूम है कि परमेश्वर को इस काम में मैं परमेश्वर की मदद कर सकता हूं, लेकिन पता नहीं किन पर्सनल कारणों से लोग आगे नहीं आते। चर्च में तो काम हो जाता है, प्रभु अपना काम करना जानते हैं, एक नहीं करेगा तो 10 उससे भी अच्छे करेंगे, लेकिन उन भयानक कामों के द्वारा ही आप अपने मुंह मांगे वरदान को पाते हैं।
जब भी परमेश्वर को किसी भी काम की जरूरत हो और आप आगे आए तो ये आपका फायदा है, परमेश्वर का नहीं। अगर आज मैं सेवा कर रहा हूं तो आज मैं अपनी लाइफ में, अपनी पर्सनल लाइफ में सबसे हेल्दियर हूं आज की डेट में, जब से मैं मसीह में आया हूं। मैं सबसे ज्यादा ब्लेस हूं आज की डेट में, जब से मैं मसीह में आया हूं। बिना चर्च की सपोर्ट लिए, बिना चर्च से एक रुपया लिए, बिना चर्च से ऑफरिंग लिए, पर्सनली मैं ब्लेस हूं। क्या ये आपको चमत्कार नहीं लगता क्या? तो सेवा मेरे लिए, मेरी ब्लेसिंग के लिए, मेरे बच्चों के लिए, मेरी वाइफ के लिए। और जब आप भयानक काम करते हैं परमेश्वर के लिए तो परमेश्वर कहता है मैं मुंह मांगा वरदान तुझे दूंगा। तो आपने ये अपनी लाइफ में जरूर देखना है कि जब परमेश्वर को कहीं भी जरूरत पड़े आपने हमेशा उसके लिए भयानक काम करने के लिए रेडी रहना, तैयार रहना। आमीन। ये आपकी जिम्मेवारी है। उत्पत्ति 34:1 में लिखा, एक दिन लिया की बेटी दीना जो याकूब से उत्पन्न हुई थी उस देश की लड़कियों से भेंट करने के लिए निकली। तब उस देश के प्रधान हित्ती हमोर के पुत्र शकेम ने उसे देखा, उसे ले जाकर उसके साथ कुकर्म करके उसे भ्रष्ट कर डाला। आपको अब ऐसा लगेगा कि याकूब की बेटी के साथ रेप हो गया, यह बड़ा गलत हो गया। हां, पर आपने देखा नहीं क्यों हुआ ये। लिया की बेटी दीना याकूब से जो पैदा हुई थी उस देश की लड़कियों से भेंट करने को निकली। किस देश की लड़कियों से? अविश्वासी देश की लड़कियों से। अविश्वासी देश जो विश्वास में नहीं था उन लड़कियों से भेंट करने को निकली। क्यों? दिल कर रहा था नई नई सहेलियां बनाऊं, नई नई बातें करूं, नई नई जवान हुई हूं, अलग अलग, चलो मीठी मीठी खट्टी खट्टी बातें करते हैं, अच्छा लगता है, खेलते हैं, नई नई सहेलियों से मिलेंगे, नई नई बातें सुनेंगे, नया नया कल्चर देखेंगे, नए नए घूमेंगे फिरेंगे, ऐश करेंगे, है ना, और क्या। और बाइबल कहती वहां उसके साथ रेप हुआ उस देश के प्रधान ने, यानी उस देश के आप कह सकते हो प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति या उस देश के राजा ने, उस देश का जो प्रधान था उसके बेटे ने उसको देखा और उसके साथ कुकर्म किया। अगर आपकी संगति अविश्वासियों के साथ है तो आप कभी भी अविनाशी क्रिश्चियन नहीं बन सकते। आपके आसपास कैसे लोग होने चाहिए आपकी जिंदगी को बनाते या बिगाड़ते हैं। आपकी लाइफ के आसपास बाइबल कहती, पौलुस ने कहता अगर मैं तुम्हें यह कहूं कि तुम इस जगत में व्यभिचारियों, शराबियों, गलत काम करने वालों की संगति छोड़ दो तो तुम्हें जगत से जाना पड़ेगा, क्योंकि ऐसा कोई जगत ही नहीं है जहां ये लोग नहीं। पर कहता मैं वो संगति की बात नहीं कर रहा हूं कि उनसे हेलो करना छोड़ दो, उनको बोलना छोड़ दो, उनको बुलाना छोड़ दो। कहता उनकी संगति मत करो। वो ताश खेल रहे हैं और तुम दारू नहीं पीते हो, तुम क्रिश्चियन हो, तुम उनके बीच में ताश कैसे खेल सकते हो? तुम उनके बीच में जाके कैसे दो दो घंटे बैठ सकते हो? तुम कैसे उनके साथ काम कर सकते हो? कैसे उनके साथ भागम भगाई कर सकते हो? कहता तुम्हारा उनके साथ कोई नाता नहीं, मसीह का बलियाल के साथ कोई नाता नहीं, अंधकार की ज्योति के साथ कोई नाता नहीं, अविश्वासी का विश्वासी से कोई नाता नहीं, उनके साथ आसमान जुए में मत जुतो। बाइबल कहती तुम्हारा अविश्वासी दोस्त हो सकता है, तुम उसे हेलो कर सकते हो, फोन पे बात कर सकते हो, उसको यीशु मसीह के बारे में बता सकते हो, पर उसकी किसी आदत को तुम लेना शुरू कर दोगे अगर तुम ज्यादा उसकी संगति में रहना शुरू कर दोगे तो। चाहे आप जितने मर्जी अच्छे क्रिश्चियन, अच्छी चर्च में जाते हैं, अगर आपकी संगति सही नहीं है तो आप अविनाशी क्रिश्चियन नहीं बन सकते। आप ऐसे क्रिश्चियन नहीं बन सकते जिसको नाश नहीं किया जा सकता। हालेलुया। अपने पड़ोसी को बोलो चूज फ्रेंड्स वाइजली। बोल अपने दोस्त बड़ी बुद्धिमती के साथ, बुद्धिमानी के साथ चुनना। एक सलाह मैं आपको देना चाहता हूं, ध्यान से सुनना। अगर आपके दोस्त अच्छे नहीं, आपकी लाइफ कभी अच्छी नहीं हो सकती। मैं नाम नहीं ले सकता, मैं ऐसे लोगों को पर्सनली जानता हूं जिनके दोस्त कभी अच्छे नहीं रहे और खुद वो स्वर्गदूतों को जितना अच्छे हैं। कहने का मतलब उनके जितना अच्छे तो नहीं हो सकते, कहने का मतलब काफी अच्छे हैं दुनिया के हिसाब से। कुछ कमियां हैं उनमें लेकिन अच्छे हैं। पर दोस्त कभी अच्छे नहीं चुने लाइफ में। जब भी चुना शराबी चुना, जब भी चुना फिर शराबी चुना, जब भी चुना खाने वाले चुने, सिर्फ जो खाते हैं,
और जिंदगी कभी सेट नहीं। जब तक आपका आसपास सेट नहीं होता, आपकी लाइफ सेट नहीं होती। आपके दोस्त जो आपसे बात करते हैं, वो कैसे होने चाहिए? यीशु मसीह ने कहा, पतरस, लोग मुझे क्रूस पे चढ़ा देंगे, लोग मुझे मारेंगे और मैं तीसरे दिन जी उठूंगा। पतरस साइड पे ले गया, परमेश्वर को बोलता है, ए प्रभु, तेरे साथ कभी ऐसा ना हो, आज के बाद कभी ऐसा मत बोलना। परमेश्वर ने कहा, शैतान मेरे सामने से दूर हो जा। पतरस ने कहा, क्या कहा? शैतान। क्योंकि शैतान जो है वो आपके क्लोज लोगों के माउथ को, उनके मुंह को इस्तेमाल करता है। एक ऐसा व्यक्ति जो सेवा में गिर चुका है, उससे फोन पे बात करके आप क्या लेंगे? वही गिरावट ले सकते हैं जो उसने ली। एक ऐसा व्यक्ति जो खुद शराबी है, आप ज्यादा उसके साथ बैठ के क्या लेंगे? आप शराब पीने के फायदे ही उसके मुंह से सुनेंगे और कुछ नहीं। आपको लगता है एक शराबी है, उसके पास बैठो, 5 मिनट वचन दो, 10 मिनट वचन दो, प्रेयर करो, उसके बाद उठ जाओ, उसको परमेश्वर में आने का मौका दो। खुद अपने आप को मौका ना दो उस शराब में फंसने का। व्यभिचार की काउंसलिंग नहीं करनी, हाँ, गर्लफ्रेंड की काउंसलिंग करने नहीं बैठना, हाँ मैं तुझे बताऊंगा, तू फलानी चर्च जाया कर, चलो कोई नहीं, रूह बच जूगी, एक बहुत रूह है बचान ली, बहुत बुजुर्ग बैठे है बचान ली, पर तू कभी उन्होंने नहीं बचाया, हाँ जवान तेन दिख दी है बचान ली। बाइबल में लिखा, व्यभिचार से भागो, भागो वहां से। तुम इतने मजबूत नहीं हो कि तुम वहां खड़े रहोगे और टिके रहोगे, भागो वहां से। अगर तुम्हें लगता है सामने व्यभिचार है, कोई पुट्ठी सीधी हरकत है, अपना मुंह दूसरी तरफ करो। अपने पड़ोसी को बोलो, अपने फ्रेंड्स ध्यान से चुन, क्योंकि दीना ने गलत दोस्त चुने और दुर्घटना उसकी लाइफ में हुई। हालेलुया। और बाइबल कहती है, उसके बाद उसके भाई आए दीना के, उसके बाप ने बताया कि तेरी बहन के साथ देखो रेप हुआ, और फिर वो सभी गए और उनको मारा, सबको मारा। फिर वो वहां से निकले, वहां से सबको भागना पड़ा, और कनानी और परिज्जियों के दिल में एक नफरत पैदा हो गई याकूब के घराने के लिए। एक गलत आदत ने पूरे परिवार को डिस्टर्ब कर दिया। आप इमेजिन करो, आज लोग 1200 का कमरा जब बदलते हैं, 1500 का, 3000 का कमरा, जब अपने घर के किराए के कमरे से दूसरे किराए के कमरे में जाते हैं, कितना ट्रबल होता है उनको। अभी मीटर चेंज करना पड़ रहा है, अभी बेड बिस्तरे लेके जा रहे हैं, सभी वायरिंग दोबारा करनी पड़ रही है। देखो, एक छोटे से घर को बदलने में कितना ट्रबल होता है। सोचो, पूरा देश लेके जाना, भेड़ों को, बकरियों को, टेंटों को, अपने नौकरों को, बच्चों को, सब चीजों को लेके जाना पड़ा दूसरे देश में, क्योंकि इस देश में उसकी लड़की से गलती हो गई, क्योंकि अविश्वासी लड़कियों के साथ दोस्ती कर ली उसने। हालेलुया। अविश्वासी लड़कियों के साथ बैठी, उनकी जैसी बातें अंदर गई तो खत्म हो गया काम। शैतान ने अटैक किया। अपनी लाइफ में मौका ही ना दो कि दुर्घटना आपके साथ हो, और यीशु मसीह के नाम में आपके बच्चों के साथ दुर्घटनाएं कभी ना हो, रेप्स कभी ना हो, अंधकार की शक्तियां कभी अटैक ना कर पे आपकी फैमिली के ऊपर। मैं यीशु मसीह के नाम से आपको आशीषित करता हूं, अगर आमीन ऊंचा आशीष आपकी चर्च। हालेलुया, हालेलुया। अपने पड़ोसी को बोलो, फिर से बोलो, दोस्त ध्यान से चुन। फिर से बोलो ऊंची आवाज में, आपकी लाइफ में कुछ लोग ऐसे हैं जो एक सीजन के लिए होते हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जो कम टाइम के लिए होते हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जो परमानेंट आपकी लाइफ में होते हैं। आपको चुनना है किन लोगों को आप आगे लेके जाना चाहते हो। बाइबल बताती है, जब आप पुस्तक पढ़ते हैं, लूका 15 पढ़ते हैं जब आप, तो उसमें लिखा, एक व्यक्ति जिसका बेटा, जिसके दो बेटे थे। अपने पड़ोसी को बोलो, दो बेटे, एक अच्छा एक उड़ाऊ। लूका 15 उसके 11 में लिखा, किसी मनुष्य के दो पुत्र थे, उनमें से छोटे ने पिता से कहा, हे पिता, संपत्ति में मेरा भाग मुझे दे दो और मैं चला जाऊं। और उसके पिता ने उसको संपत्ति दे दी। बहुत दिन ना बीतते छोटा बेटा सब कुछ इकट्ठा करके दूर देश को चला गया, यानी जो उसको गाय मिली, बकरियां मिली, जो उसको जमीन मिली, जो उसको सोना मिला, चांदी मिली, सब कुछ बेच के, एक पैसा जेब में डाल के, एक सोना जेब में डाल के, अपनी करंसी जेब में डाल के चला गया। और लिखा, वहां कुकर्म में अपनी सारी संपत्ति उड़ा दी। जब वह सब कुछ खर्च कर चुका तो उस देश में बड़ा अकाल पड़ा और वो कंगाल हो गया।
और इसलिए उस देश के निवासियों में से एक के यहां जा पड़ा और उसने उसे अपने खेतों में सुअर चराने के लिए भेजा और वह चाहता था कि उन फलियों को खाए जिन्हें सुअर खाते थे अपना पेट भरने के लिए और कोई उसे कुछ नहीं देता था। जब वो अपने आपे में आया तब कहने लगा, मेरे पिता के कितने ही मजदूरों को भोजन से अधिक रोटी मिलती है और मैं यहां भूखा मर रहा हूं। मैं अब उठकर अपने पिता के पास जाऊंगा और उनसे कहूंगा, पिताजी मैंने स्वर्ग के विरोध में और तेरी दृष्टि में पाप किया है और मैं इस योग्य नहीं रहा कि तेरा पुत्र कहलाऊं, और मुझे एक मजदूर के समान रख ले। तब उठकर मैं पिता के पास चला और अभी दूर ही था कि पिता ने उसे देखकर तरस खाया और दौड़कर उसे गले लगाया, चूमा। पुत्र ने उससे कहा, पिताजी मैंने स्वर्ग के विरोध में तेरी दृष्टि में पाप किया और मैं इस योग्य नहीं रहा तेरा पुत्र कहलाऊं। परंतु पिता ने अपने दासों से कहा, झट से अच्छा वस्त्र निकालकर पहनाओ, उसके हाथ में अंगूठी पांव में जूतियां पहनाओ और पाला हुआ पशु लाकर मारो, हम खाएं और आनंद मनाएं, क्योंकि मेरा पुत्र मर गया था जो फिर जी गया है, खो गया था मिल गया है, वो आनंद करने लगे। उसका जेठा बेटा खेत में था, जब वो आया और उसने गाने बजाने नाचने का शब्द सुना और अपने दास को बुलाकर पूछा, ये क्या हो रहा है? उसने कहा, तेरा भाई वापिस आ गया है, तेरे पिता ने पला हुआ पशु कटवाया है और उसे क्योंकि उसे भला चंगा पाया है। ये सुनकर वो क्रोध से भर गया और भीतर जाना ना चाहा। उसके पिता को उसने कहा, उस बच्चे ने, बड़े बेटे ने, देख मैं इतने वर्ष से तेरी सेवा कर रहा हूं और कभी भी तेरी आज्ञा नहीं टाली, तो भी तूने एक भी बकरी का बच्चा मुझे ना दिया कि मैं अपने मित्रों के साथ आनंद करूं, परंतु जब तेरा ये पुत्र जिसने तेरी संपत्ति वेश्याओं में उड़ा दी आया है तो तूने पशु कटवाया। उस पिता ने कहा, पुत्र तू सदा सर्वदा मेरे साथ है और जो कुछ मेरा है वो तेरा है, परंतु अब आनंद करना और मगन होना, क्योंकि तेरा भाई मर गया था फिर जी गया है, खो गया था अब मिल गया है। सुनो ध्यान से, हमने सबने सुना होगा कि उड़ाऊ पुत्र को उसके बाप ने वापिस लिया, पर आपने एक बात कभी ध्यान से नहीं देखी, उस बाप ने दोबारा उस उड़ाऊ पुत्र को कभी भी अलमारी तक जाने नहीं दिया। उसने कहा, तू यहीं रह, और लिखा अपने नौकर को बोला कि तू जा और अलमारी से अच्छा वस्त्र निकाल के ला, अंगूठी लेके आ और जूती लेके आ, पर तू उस अलमारी में अब जाने के योग्य नहीं है, तू उन जूतियों को खुद निकालने के योग्य नहीं है, मैं तुझे रख तो लूंगा पर तू मेरी प्रॉपर्टी का वारिस नहीं। इसलिए उसने बड़े बेटे से कहा, जो कुछ अब मेरा है वो सब कुछ तेरा है, क्योंकि तू मेरे साथ रहा, तेरा भाई इतना ही खुश, तू खुश रह बस, और मैं भी खुश हूं कि वो मर गया था अब जी गया है, हाँ वो खो गया था अब मिल गया है। अब तेरा भाई तेरी प्रॉपर्टी के साथ तेरा वारिस तो नहीं है, अब तेरा भाई डायरेक्ट अलमारी तक जाके कपड़े तो नहीं चुन सकता, पर अब तेरे भाई को यह मौका मिला है कि यह फिर से एक नौकरों की तरह जिएगा, अपनी प्रॉपर्टी को खुद अर्न करेगा, खुद कमाएगा और खुद खड़ा होगा, पर मेरी और तेरी प्रॉपर्टी में इसका कोई भी हिस्सा नहीं होगा। जो लोग आपको लाइफ में एक बार धोखा दें, दोबारा उनको सेम पोजीशन कभी मत देना, नेवर, ये बिब्लिकल नहीं है, नेवर, उनको अर्न करने देना, उनको कमाने देना, अब अपनी पोजीशन जो उन्होंने छोड़ी। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? आप माफ कर सकते हो, पर माफ करने का मतलब यह नहीं कि आप भूल गए हो, आपने मेमोरी को खत्म कर दिया। माफ करने का मतलब आपने माफ कर दिया और फिर से प्लेटफॉर्म दिया, एक जगह फिर से दी कि तू फिर से अब मेहनत करेगा और अपनी पोजीशन वापिस अपनी मेहनत से लेगा। उसी पोजीशन को दोबारा देना उस व्यक्ति की लाइफ में, ये नॉन बिब्लिकल है, बाइबल कहती है। इसलिए मैंने कहा, आप अपने फ्रेंड्स वाइजली चुनेंगे, अपने लोग वाइजली चुनेंगे। एक बार धोखा खाना ये आपकी इंसानियत है, दूसरी बार धोखा खाना ये आपकी मूर्खता है। क्या कहा मैंने? एक बार धोखा खाना आपकी क्या है, दूसरी बार धोखा खाना आपकी क्या है, मूर्खता। आमीन। एक बार धोखा खाना आपकी इंसानियत है, आप अच्छे हो दिल के, आपको धोखा मिला, दूसरी बार धोखा खाना आपकी क्या है, मूर्खता। अगर आपके दोस्त अच्छे नहीं, आपके आसपास के लोग अच्छे नहीं, आपको चेंज करना पड़ेगा सिस्टम, ताकि आप फ्रूटफुल ठहरें, आप शांति से रह सकें। आमीन। ऊंचा आशीष ऊंची।
हालेलुया। मैंने पूरी स्टोरी इसलिए आपको बैठ के पढ़ाई है। आज मैं दो बाइबल लेके आया हूं। उसने कहा जो कुछ मेरा है वो तेरा है बड़े बेटे, जो कुछ मेरा है वो तेरा है। पर अब तेरा छोटा भाई आया, मैंने इसको अंदर तो नहीं जाने दिया, डायरेक्ट अलमारी तक एक्सेस तो नहीं दिया, इसको सीधा जूते पहनने की आज्ञा तो नहीं दी, नौकरों को बोला कि इसको पहना दो, पर ये डायरेक्ट तो अंदर नहीं जा सकता जब तक ये खुद अपनी कमाई से अपने खड़े होके जो इसने गवाया जो पोजीशन, जब तक ये खुद अर्न नहीं कर लेता। हालेलुया। कितने इस बात को समझ रहे हैं? अपने पड़ोसी को बोलो फिर से, अन्य जातियों से दोस्ती मत कर और गलत लोगों से दोस्ती मत कर और धोखा देने वालों से दोस्ती मत कर। ऊंची आवाज से बोलो आमीन। आपका आमीन ऊंचा, आपकी आशीष ऊंची चर्च। आप तैयार हैं इन आदतों को अपनाने के लिए? तैयार है कि नहीं? इन आदतों को अपनाने के लिए तैयार है कि नहीं? आपको आपके अंदर कुछ जा रहा है आज के नहीं? हाँ, आपको समझ आ रही है कि नहीं? लाइफ जीनी कैसे आपको समझ आ रही है कि नहीं? करना क्या आपको समझ आ रही है कि नहीं? आमीन। इसलिए बाइबल कहती है याकूब जो था वो यूसुफ से ज्यादा प्यार करता। क्यों? आप उससे करोगे ज्यादा प्यार जो आपको फल देगा। आज ऐसा एक भी काम नहीं है चर्च में जो मैंने ना किया हो। जब लोग पोस्टर लगाने जाते थे मैं उनको बोलता हूं कि बताओ कौन सी गली किसी गांव की बताओ, मुझे ना मालूम हो, क्योंकि मैंने खुद पोस्टर्स लगाए, खुद पंपलेट्स बांटे, घर घर जाके लोगों को बताया। तो मैं आज गाइड कर सकता हूं इनको पोस्टर्स पंपलेट के लिए। हाँ, कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? आज साउंड के लिए खुदा की जोर से तारीफ कर दो। आमीन। आपको आपको उस याकूब को मालूम था कि वो क्यों नाराज है अपने 11 12 10 बच्चों से, और उनको लगता था कि बाप को क्या पता, बाप तो अंदर बैठा है, उसको क्या मालूम कि भेड़े 100 की 110 करेंगे या 115 देंगे, 5 खा जाएंगे, 5 की ऐश करेंगे, दारू पियेंगे, उसको क्या पता लगना है। पर उसको मालूम था कि मैं भी चरवाहा रहा हूं, मुझे मालूम है बेटा कहां गड़बड़ है। और वो फालतू में यूसुफ से प्यार नहीं करता था, उसे मालूम था कि यूसुफ एक प्रॉस्परस बच्चा है और जिस काम में ये हाथ लगाएगा वो काम फलवंत होगा। इसलिए हर जगह दस दस यूसुफ नहीं होते, एक ही यूसुफ होता है, एक ही बिन्यामिन होता है, और कोई बाकी रूबेन होता है और कोई दूसरे होते हैं। क्योंकि अगर आप स्पिरिचुअल हो, अगर आपने सच्ची नया जन्म पाली और वर्ड की नॉलेज आप में है, तो आप फलदार होंगे, आपको जहां भी भेजा जाएगा। तो हालेलुया। दूसरा कुरंथिया 12 उसकी 9 आयत को हम पढ़ेंगे। आप अविनाशी क्रिश्चियन बनना चाहते हो? मुझे सुना नहीं? अगर आप क्रिश्चियन हो तो परीक्षाएं आएंगी आपकी लाइफ में। मैंने कहा अगर आप क्रिश्चियन हो तो क्या होगा? परीक्षाएं आएंगी आपकी लाइफ में, ये पक्की बात है। बिना परीक्षा के आप नहीं चल सकते। 9 आयत में लिखा, 12 के 9 में, पर उसने मुझसे कहा मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है क्योंकि मेरी सामर्थ निर्बलता में सिद्ध होती है, इसलिए मैं बड़े आनंद से अपनी निर्बलताओं पर घमंड करूंगा कि मसीह की सामर्थ मुझ पर छाया करती रहे। सब बोलो आमीन। पहला पत्रस 4 उसकी 1 आयत, क्यों परीक्षाएं आपकी लाइफ में आती है परमेश्वर बताएगा अभी इसमें। इसलिए कि जबकि मसीह ने शरीर में होकर दुख उठाया तो तुम भी उसी मनसा को हथियार के समान धारण करो, क्योंकि जिसने शरीर में दुख उठाया वो पाप से छूट गया। इसी पत्रस की 5 बाप के 10 आयत को मैं पढ़ता हूं। अब परमेश्वर जो सारे अनुग्रह का दाता है तुम्हें मसीह में अपनी अनंत महिमा से इसके साथ जिसने बुलाया है, तुम्हें थोड़ी देर तक दुख उठाने के बाद आप ही सिद्ध, शिथर और बलवंत करेगा। सब बोलो आमीन।
आपको मैंने तीन वचन दिए, दूसरा कुरिन्थियों 12 उसकी 9 आयत, पहला पत्रस 4 उसकी 1 आयत, पहला पत्रस 5 उसकी 10 आयत, जिसमें स्पेशल लिखा हुआ कि मैं अपनी निर्बलताओं पर घमंड करूंगा। आपने सुना वचन, मैंने क्या कहा, क्या करूंगा मैं, अगर कोई मुझे सता रहा है तो मैं इस चीज पे क्या करूंगा, घमंड करूंगा। अगर कोई मेरे खिलाफ है तो इस चीज के लिए मैं क्या करूंगा, कहता है जब जब मैं निर्बल होता हूं तब तब मैं बलवंत होता हूं। एक अविनाशी क्रिश्चियन जब तक निर्बलता को सहन नहीं करता वो कभी भी सामर्थ्य नहीं पाता। कहता है जब जब मैं निर्बल होता हूं तब तब मैं बलवंत होता हूं। आप अविनाशी क्रिश्चियन होना चाहते हैं, अविनाशी पास्टर बनना चाहते हैं, तो कहता अपनी निर्बलताइयों पर क्या करना, घमंड करना। आज मैं अपनी बाइबल रीडिंग की वजह से यहां नहीं खड़ा हूं, आज मैं इसलिए खड़ा हूं क्योंकि 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 मैं अपनी बीमारियों की वजह से दुखी रहा हूं और ये मेरे घमंड का आज कारण है। वो मसा जो तब उसकी नींव डल गई थी अंदर, उसकी वजह से मैं आज यहां खड़ा हूं। अब तो मैं बिल्डिंग को सजा रहा हूं, अब तो मैं अच्छे अच्छे बेड लगा रहा हूं, अच्छे अच्छे सोफे लगा रहा हूं, अच्छा इंटीरियर कर रहा हूं, अच्छी लाइटिंग कर रहा हूं, लेकिन जो स्ट्रक्चर था वो तब बना था। अब तो मेरा दिल करे तो मैं एक और मंजिल डाल लूं, दिल करे एक और डाल लूं, क्योंकि जो नींव बनी थी वो तब बनी थी। व्यवस्था विवरण 8 उसकी 2 आयत में लिखा, कहता परमेश्वर तेरा यहोवा तुझे जंगल के मार्ग में ले आया ताकि वो तुझे नम्र बनाए और तेरी परीक्षा करके जान ले कि तेरे मन में क्या क्या है। आप एक क्रिश्चियन व्यक्ति को तब नहीं जान सकते हो जब उसकी लाइफ में चंगाई की गवाही आ चुकी, बरकत की टेस्टिमनी है, हीलिंग की टेस्टिमनी, कैंसर से हील हो गया, आप उसके दिल को नहीं जान सकते। पर दो उसे बीमारी, दो उसे परीक्षा, करो उसका विरोध, करो उसको तंग, और जब तब मुंह से जो निकलेगा तब मालूम होगा तुम असली हो के नकली हो। कहता जब जब मैं निर्बल होता हूं तब तब मैं बलवंत होता हूं। आज कोई निर्बल हो तो ये दुखी होने की बात जान पड़ती है लोगों में, जब आज उनको परीक्षा का सामना करना पड़े तो ये उनको दुखी होने की बात लगती, जब आज कोई घटना गलत हो उनके लाइफ में हो जाए तो ये उनको दुखी होने का कारण जान पड़ता है। बाइबल कहती दुखी नहीं होना, घमंड करना उस परीक्षा के ऊपर, क्योंकि वो तुम्हें बलवंत करने के लिए है, क्योंकि जब जब तुम निर्बल होगे तब तब तुम बलवंत होगे। कहता जिसने शरीर में दुख उठाया वो पाप से छूट गया। मिनिस्ट्री में पवित्रताई में खड़े रहना ये मुश्किल बात है, मैं आपको सच कह रहा हूं। अगर मेरे शुरुआती दिनों में परमेश्वर मुझे बीमारियों में ना रखता मैं पवित्रताई में कभी ना रह पाता। उसने कहा जिसने शरीर में दुख उठाया वो पाप से छूट गया। कुछ लोगों को परमेश्वर फाइनेंशियली ब्लेस नहीं कर रहा आज, कारण वो नहीं, कारण उनका पाप नहीं, कारण उनकी कमी नहीं, कारण टाइम है ब्रदर्स। जब टाइम आएगा सुनो कि प्रभु को मालूम होगा कि दिस मिलियन, अब ये जो लाख मैं तुझे दे रहा हूं तुझे शराब की ओर नहीं लेके जाएंगे, आएंगे उसी दिन आएंगे। आमीन। सब लोग मांगते हमारी मिनिस्ट्री में ब्लेसिंग क्यों नहीं, हमारी मिनिस्ट्री में पैसा क्यों नहीं। जिस दिन हैंडल करना आ जाएगा पैसा, जिस दिन वो पैसा तुम्हें पाप की ओर नहीं लेके जाएगा तुम्हारी मिनिस्ट्री में भी आ जाएगा। मुझे पोस्टर टीम मिली 6 साल, 8 साल, 10 साल पहले। मैंने कहा कितने का पोस्टर लेके आए हो, कहते 4.5 रुपए का। मैंने कहा महंगा है, तुम फलानी फलानी दुकान पे जाओ और अलग कागज लो और अलग से पोस्टर बनाओ। आ गए दोबारा, बंदा मिल गया जी अब 2.5 रुपए का छपेगा। मैंने कहा छपाओ। महीने बाद मैंने कहा कितने का है, 2.5 का। मैंने कहा महंगा है, अब तुम फलानी प्रिंटिंग प्रेस में जाओ, अपना कागज खरीदो, अपनी छपाई कराओ, बीच में कोई बिचौलिया नहीं रखना। वापिस आए, कितने का आ गया, 1.5 रुपए का, अब छापो। सुनो फिर बुलाया, कितने का है, 1.5 का, महंगा है। अब दिल्ली से कागज लेके आओ छपाओ, कितने का हो गया, 1.25 रुपए का। 2 महीने बाद, महंगा है। सुनो
मैंने अपनी प्रिंटिंग प्रेस खोल ली। सुनो, मेरी अपनी पर्सनल, चर्च का काम मैं फ्री करता हूं। अब जो पोस्टर 4.5 रुपए का पड़ता था, आज चर्च 65 पैसे का लेती है। सेम, उससे अच्छा। आपको पास्टर्स की जिम्मेवारी नहीं मालूम वो कितने कामों में। अब वो मेरा पैसा थोड़ी है वो, कि मैं टेंशन क्यों लूं, चर्च का पैसा या काम वो खत्म हो ना, मुझे मिलना है ना, मैंने 1 रुपया भी लेना है चर्च से। और प्रेस मैंने अपने पैसों से ली है और चर्च का काम मैं फ्री कर रहा हूं। आमीन। जब आपको हैंडल करना आ जाएगा, खुदावन दे देगा। कहता जिसने शरीर में दुख उठाया वो पाप से छूट गया। ऐसा यूथ यहां पे है, ऐसे लड़कियां लड़के यहां पे हैं। अगर आज आपका विरोध होना बंद हो जाए, आप पाप में गिर जाएंगे। उस विरोध की वजह से आप बिजी हो, उस विरोध की वजह से आप प्रेयर में हो। जब आप फ्री हो जाओगे आप गिर जाओगे। कहता जिसने जिसने शरीर में दुख उठाया वो पाप से छूट गया। जिसने शरीर में दुख उठाया मसीह की वजह से, वो पाप से छूट गया, वो बलवंत हुआ। दोबारा पढ़ेंगे फिर से। तो परीक्षा आज के जमाने में दुखी होने का रीजन नहीं होनी चाहिए। आप कोई स्पेशल गुनाह करके आए हो ऊपर से? बोलो भाई, कत्ल करके आए हो किसी स्वर्गदूत का? तो खुदावंद क्यों नहीं आपको दे सकता? पर टाइम से पहले मिलना आपके नाश होने का कारण बन सकता है। परमेश्वर आपको नाश होना नहीं देखना चाहता। दूसरा कुरंथिया 12 उसकी 9 आयत, पहला पत्रस 4 उसकी 1 आयत, पहला पत्रस 5 उसकी 10 आयत। 12 की 9 को मैं पढ़ता हूं। उसने मुझसे कहा, मेरा अनुग्रह तेरे लिए काफी है, क्योंकि मेरी सामर्थ निर्बलता में सिद्ध होती। इसका मतलब जब जब मैं निर्बल होता हूं तब तब मैं बलवंत होता हूं। कहता मैं अपनी निर्बलताओं के ऊपर घमंड करूंगा ताकि मसीह की सामर्थ मुझ पर छाया करे। ऊंची आवाज़ें बोलो आमीन। अपने पड़ोसी को बोलो, अपनी निर्बलताओं के ऊपर, अपनी परीक्षाओं के ऊपर घमंड करना सीख। फिर से बोलो अपने पड़ोसी को, आमीन। बोलो जब जब तू निर्बल होगा तब तब तू बलवंत होगा। पहला पत्रस 4:1 में लिखा, इसलिए कि मसीह ने शरीर में होकर दुख उठाया तो तुम भी उसी मनसा को हथियार के समान धारण करो, क्योंकि जिसने शरीर में दुख उठाया वो पाप से छूट गया। पहला पत्रस 5:10 आयत, अब परमेश्वर जो सारे अनुग्रह का दाता है तुम्हें मसीह में अपनी अनंत महिमा से, जिसने बुलाया है तुम्हें थोड़ी देर तक दुख उठाने के बाद सिद्ध, स्थिर और बलवंत करेगा। सब कलीसिया बोले आमीन। तुम्हें थोड़ी देर दुख उठाने के बाद सिद्ध, स्थिर और बलवंत करेगा। अपने पड़ोसी को बोलो, थोड़ी देर दुख उठाने के बाद तुम्हें वो सिद्ध, स्थिर और बलवंत करेगा। अगर मैं सिद्ध सिथर को ही अगर मैं आपको एक्सप्लेन करना चाहूं तो मुझे 2 दिन चाहिए ये 3 वर्ड्स को एक्सप्लेन करने के, लेकिन आज मैं उसमें नहीं जाऊंगा। व्यवस्था विवरण 8:2 आयत में लिखा, स्मरण रख परमेश्वर यहोवा उन 40 वर्षों में तुझे जंगल के सारे मार्गों में इसलिए ले आया कि वो तुझे नम्र बनाए, तेरी परीक्षा करके जान ले कि तेरे मन में क्या क्या है, कि तू उसकी आज्ञाओं का पालन करेगा या नहीं। उसने तुझको नम्र बनाया, भूखा भी होने दिया, फिर वह मन्ना जिसे ना तू और तेरे पुरखा जानते थे तुझको खिलाया, इसलिए कि वह तुझको सिखाए कि मनुष्य केवल रोटी से नहीं जीवित रहता परंतु उस वचन से जो यहोवा के मुंह से निकलते हैं जीवित रहता है। सब बोलो आमीन। आपकी परीक्षा बाइबल कहती है आपको सिद्ध बनाने के लिए, सिथर बनाने के लिए और आपको बलवंत करने के लिए।
पौलुस कहता अगर मैं परीक्षा में हूं तो मैं अपनी परीक्षाओं के ऊपर, निर्बलताओं के ऊपर मैं घमंड करूंगा, क्योंकि जो परमेश्वर की सामर्थ्य है वो सिद्ध होती है, पूरी तरह से काम करती है, अपना आप जलवा दिखाती, जिसे हिंदी में बोल सकते हैं कि अपना जलवा दिखाती है वो, जब तुम निर्बलताइयों में से होकर गुजरते हो, जब तुम परीक्षाओं में से होकर गुजरते हो, वो सब चीजें अपनी लाइफ, तुम्हारी लाइफ में जो परमेश्वर की ओर से हैं, जो सामर्थ, जो ताकत, जो परमेश्वर का अनुग्रह, लिखा वो अपना जलवा दिखाता है तुमको जब तुम अलग अलग तरह की परीक्षाओं में से होकर निकलते हो। तो आज के बाद जब आप परीक्षाओं में से होकर निकलेंगे, दुखी होंगे कि खुश होंगे? इसलिए याकूब ने कहा जब तुम नाना प्रकार की परीक्षाओं में पढ़ो तो कहता आनंद की बात समझो। अपने पड़ोसी को बोलो आनंदित रहो, ऊंची आवाज में, ऊंची आवाज में फिर से बोलो अपने पड़ोसी को, अपनी परीक्षाओं में बोलो आनंदित रहे, अपनी निर्बलताओं, अपनी कमजोरियों के ऊपर घमंड कर, परीक्षाओं के ऊपर घमंड कर। आमीन। एक परीक्षा आपके पाप की वजह से आती, उस पर घमंड करने के लिए वो नहीं कह रहा। एक परीक्षा आपके परमेश्वर में पवित्रता की वजह से चलने से आती, कहता उस पर घमंड कर। आपको ये छोटे दिन याद रह जाएंगे सिर्फ, ये आपकी गवाही के लिए। बीमारी वाले दिन सिर्फ याद रहेंगे आपको, आपको कलेश के दिन सिर्फ याद रह जाएंगे, आपकी गवाही के लिए। आप बड़े दिनों में एंटर करने जा रहे हो, आप ब्लेसिंग से बड़े दिनों में एंटर करने जा रहे हो। मैंने कहा आप बड़े दिनों में एंटर करने जा रहे हो, ब्लेसिंग से भरे दिनों में एंटर करने जा रहे हो। अगर आमीन हो चाहिए आशीष आपकी। हालेलुया। आप एक क्रिश्चियन हैं और आपको लगता है कि आपके बच्चे भी छोटे हैं, अभी आपको जरूरत नहीं कि उनके दोस्त कौन है, उनकी सहेलियां कौन है, पर अगर आप सच्चे मसीही हैं, आपके बच्ची के, आपकी बेटी के कितनी फ्रेंड्स हैं आपको मालूम होना चाहिए, उनके परिवार कैसे हैं आपको मालूम होना चाहिए, आपके छोटे बेटे के जो 7 साल का है उसके कितने दोस्त हैं आपको पता होना चाहिए, उन दोस्तों के बच्चे, उनके माता पिता कैसे हैं आपको मालूम होना चाहिए। हालेलुया। आप अन्य जातियों की संगति करके आप सफल नहीं हो सकते। जो लोग वफादार नहीं उनके साथ रह के आप सफल नहीं हो सकते। फ्रूटफुल लोगों को पास रखना ये आपकी जिम्मेवारी है, उनको चुनना ये आपकी जिम्मेवारी है। आमीन। जब याकूब ने अपना अंग रखा दिया था, 7 रंगी अंग रखा जब यूसुफ को दिया, तो बाकी बच्चे पता क्या बोलते थे कि इसमें खुदा का प्यार नहीं, हमारे बाप में खुदा का प्यार नहीं, ये पक्षपात करते हैं। और याकूब को मालूम था कि यही असली हकदार है अंग रखे का, तुम लोग नहीं। हालेलुया। आपने लिखा अपनी कॉपीज के ऊपर आपको भयानक काम करने लिखा कि नहीं लिखा? बैड हैबिट्स अंदर नहीं रखनी जिस तरह यहूदा के अंदर थी, क्योंकि वो बैड हैबिट्स की वजह से शैतान ने एंटर किया और सब कुछ खत्म हो गया। हाँ या ना? कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? जब परमेश्वर आपको एक स्थान देता है, एक चर्च देता है, आप जानते हैं बाइबल क्या कहती? मैं आपको फिर से पढ़ाता हूं। आज अपनी बाइबल को, अपने पेन को खोल के ही रखना बस, हम पढ़ेंगे फिर से व्यवस्था विवरण, फिर से पढ़ेंगे दोबारा, पर अब उसकी 12 को पढ़ेंगे, 12 बाप को, 5 और 6 आयत। उसमें लिखा किंतु जो स्थान तुम्हारा परमेश्वर यहोवा तुम्हारे सब गोत्रों में से चुन लेगा, वहां वो अपना नाम बनाए रखे, और उसके उसी निवास स्थान के पास जाया करना। वहां तुम अपने होम बलि, मेल बलि, दशमांश, उठाई हुई भेंटे, मन्नत की वस्तुएं, स्वेच्छा बलि, गाय, बैलों, भेड़, बकरियों के पहलोठे ले जाया करना। वहीं तुमको परमेश्वर यहोवा के सामने तुम भोजन करना और अपने अपने घराने समेत सब कामों को जिनमें तुमने हाथ लगाया हो और जिन पर तुम्हारे परमेश्वर यहोवा की आशीष मिली हो तुम आनंद करना। सब बोलो आमीन। 11 आयत में लिखा तुम निडर रहने पाओ ताकि तब जो स्थान
तुम्हारा परमेश्वर यहोवा अपने नाम का निवास ठहराने के लिए चुन ले, उसी में तुम अपने होम बलि, मेल बलि, दशवांश, उठाई, भेंटें, मन्नतों की सब उत्तम उत्तम वस्तुएं